मैं यूनिवर्सिटी से फाइन आर्ट्स किया और आज मैं इसी फील्ड को लेते हुए अपनी अर्निंग का जो मैंने सिस्टम है वो मैंने अपनी इसी फील्ड को लेकर शुरू किया। शुरू में मुझे काफ़ी मुश्किल का सामना भी करना पड़ा, बहुत से लोग पाकिस्तान में ख़ास तौर पर आपके फील्ड के मुताबिक अक्सर लोग कहते हैं कि इसका स्कोप नहीं है तो आप वो फील्ड में ना जाओ, वो काम मत करो जिसका कोई स्कोप नहीं है। तो ये वीडियो में अक्सर मैं ये उन लोगों के लिए भी कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग स्कोप के पीछे मत भागो, जिस चीज़ में आपको शौक है आप उसको करें। क्योंकि अगर आप कोई डॉक्टर बन जाते हैं और अगर आप उस डॉक्टर बनने के बाद उसमें कमाल हासिल नहीं करते तो आपका उस डॉक्टरी का कोई फ़ायदा नहीं। इसी तरह आप वो काम करें जिसमें आपको शौक हो, अगर आपको शौक होगा तो आप उसमें बहुत महारत हासिल कर सकते हैं और इस महारत की वजह से आप उसमें खुद बखुद एक स्कोप हासिल कर लें। मुझे असल में शौक बचपन से था, मैं जब छोटा था वन क्लास में प्रेप में उस वक्त से मुझे पेंटिंग ड्राइंग इस टाइप के काम का मतलब आर्ट से रिलेटेड जितने भी काम थे मुझे उसमें शौक था। मैंने बचपन में सबसे पहले अपने वालिद साहब का पोर्ट्रेट बनाया था जिसको देख के मेरे वालिद साहब के जो एक दोस्त थे उन्होंने बहुत पसंद किया और उन्होंने मुझे इनाम के तौर पर उस वक्त का एक 5 रुपए का एक नोट दिया था जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, जिस वजह से मुझे मजीद इसकी तरफ और रुझान मेरा पैदा हुआ पोर्ट्रेट की तरफ, स्केचेज वगैरह की तरफ, पेंटिंग की तरफ। देखें पाकिस्तान में रहते हुए जब आप कोई भी काम करते हैं तो आपने अपने शौक को लेते हुए अपने जरूरियात आपके बुनियादी जरूरियात रहने के लिए जो आपको ज़रूरत है उसको भी पूरा करने के लिए आपको उसी शौक में आपको अपना पूरा करना होता है कि आप अपने अखराजात उठा सकें, अपने बाकी की जरूरियात पूरी कर सकें। तो इसी तरह मैंने भी पेंटिंग शुरुआत में मेरे लिए शौक ही था, शौकिया मैं बनाता था, तस्वीरें बनाना, दोस्तों को गिफ्ट कर देना। लेकिन अब अल्लाह के फजल से मैं इससे आमदनी भी कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी जगहों से मुझे ऑर्डर्स मिलते रहते हैं, स्केचेस के ऑर्डर मिलते हैं, पेंटिंग्स के ऑर्डर मिलते हैं और वो मैं ऑर्डर बना के उनको भिजवा देता हूँ। जब मैं यूनिवर्सिटी में एज अ स्टूडेंट था तो उस वक्त बहुत सी एग्जीबिशन वगैरह थी जो कि सरगोधा यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं एग्जीबिशन में मैंने काफ़ी पेंटिंग जो थी अपनी लगाई थी। आप मेरे पीछे जो ये पेंटिंग देख रहे हैं जो वायलिन वाली पेंटिंग है जिसने अल्लाह की फजल से 3rd पोजीशन हासिल की थी पूरी एग्जीबिशन में और ये पेंटिंग मैंने अपने 3rd सेमेस्टर के फाइनल प्रोजेक्ट के लिए बनाई थी। तो क्लास में तो इसने 1st पोजीशन ली ही थी, इसके अलावा इसने 2 एग्जीबिशन में 3rd और 2nd की जो है इसने इनाम हासिल किया। आजकल अगर कोई ये सवाल करता है तो ये सवाल का कोई बुनियाद नहीं बनती कि अगर कोई कहता है कि हम अपनी चीज़ें कैसे सेल करते हैं, क्योंकि साइंस ने जितनी तरक्की कर ली आप सोशल मीडिया के ज़रिए, आप फेसबुक के ज़रिए या बाकी इसके अलावा जो सोशल इंटरनेट है नेटवर्क वगैरह हैं आप उसके ज़रिए अपनी पेंटिंग को आप दिखा सकते हैं, अपनी नुमाइश कर सकते हैं और वहाँ से जैसे कि मुझे इसी तरह सोशल नेटवर्क साइट से मुझे उधर से ही ऑर्डर मिलते रहे हैं, ऐसे लोगों से मिलते रहे हैं जो मुझे कभी जानते ही नहीं थे लेकिन आज अल्लाह की वजह से जानते हैं और बहुत से लोग इसके अलावा मुझे बहुत जानना शुरू कर गए। तो आजकल तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन तरीके से आप कोई भी चीज़ अपनी सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है कि आप अपनी कोई पेंटिंग बनाते हो वो सेल नहीं होती। बिगनर्स के लिए शुरू में ये प्रॉब्लम होगी कि वो सोचेंगे कि हम अगर आर्ट का काम करते हैं तो हम उसको आगे सेल कैसे करें। तो आर्ट का काम आप बहुत आसानी से सेल कर सकते हैं अगर आपका काम अच्छा लेवल का है तो आप पहले तो करें कोशिश कि आप किसी एग्जीबिशन को अप्रोच करें, वहाँ थोड़ी सी एंट्री फीस देनी पड़ती है लेकिन वहाँ आपकी अगर चीज़ बहुत अच्छी आपने बनाई है, आपका आर्ट पीस बहुत ज़बरदस्त है तो आप अच्छी कीमत में वहाँ एग्जीबिशन में आप सेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कहते हो कि बस मेरा एक रोज़ का काम चलता रहे और आपकी पॉकेट मनी पूरी होती रहे तो फेसबुक इंस्टाग्राम इस तरह के सोशल मीडिया जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप घर बैठे बैठे अपना आर्ट का काम सेल भी कर सकते हैं और ऑर्डर पे आप काम लेकर उस पर काम करके आप उनको भी वो भी भिजवा सकते हैं। तो ये सोशल मीडिया जो है इस टाइम सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका है अपना काम सेल करने का और अर्निंग का।
अक्सर लोग आर्ट, अगर अगर आप ये सोचकर आर्ट में आना चाहते हैं कि मैंने इसमें सिर्फ अर्निंग करनी है और इसको मैंने अपना जरिया बनाना है कि मैं बस यहाँ से पैसे कमा सकता हूँ, तो उसके लिए मैं कहूँगा कि ये बेहतर चीज़ नहीं है, क्योंकि आर्ट एक ऐसा काम है, एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको बहुत टाइम देना पड़ता है, टाइम टेकिंग काम होता है, और जब तक आपके दिल में शौक नहीं है आर्ट को लेकर तो आप ये काम नहीं कर सकते। सबसे पहले आपके दिल में आर्ट के लिए एक मोहब्बत होनी चाहिए जिसमें आप आर्ट को अपनी जिंदगी का, अपने दिन के बहुत कीमती वक्त जो इंसान का आजकल है वो आप दे सको अपने आर्ट को। अगर आप ये कर सकेंगे तो इसके बाद आप आर्ट में बहुत महारत हासिल कर सकते हैं। इन शॉर्ट ये कि आपको आर्ट के लिए सबसे पहले शौक का होना बहुत जरूरी है। आर्ट किसी कोई एक कैटेगरी का नाम नहीं है, इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत आपको मुख्तलिफ किस्म के आर्ट मास्टरपीस जो है आपको नजर आएंगे। आप पुराने आर्टिस्ट जितने भी फेमस आर्टिस्ट हैं आप उनके काम को देखेंगे तो आपको हर आर्ट में कुछ मुख्तलिफ नजर आएगा। ये कोई एक खास चीज़ नहीं कि जिसका कोई एक बाउंड्री और उसमें जाके वो बंद हो जाती है, ये बहुत एक खुली एक आर्ट की अपनी दुनिया है। इसमें आप हर तरह का काम देख सकते हो, अब्स्ट्रैक्ट आर्ट होता है, कलरफुल आर्ट होता है जो आपकी नज़रों को पसंद आता है। बेसिकली इसमें कोई ऐसी खास चीज़ नहीं होती, सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन होते हैं जो आपकी आंखों में आपको बहुत ज़बरदस्त फील कराता है। इसके अलावा कुछ ऐसी काम होता है जो रियलिस्टिक वर्क होता है, उसमें बहुत डिटेल्स देनी पड़ती हैं, थोड़ा तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है और वो ओरिजिनल नज़र आने वाला काम होता है। बहुत से मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट आर्ट होता है, रियलिस्टिक आर्ट होता है, फिर लैंडस्केप वगैरह, कुछ लोगों को पेंटिंग्स में सीनरीज बनाने का शौक होता है, कुछ लोग होते हैं वो पोर्ट्रेट को ज़्यादा पसंद करते हैं कि हम किसी की पोर्ट्रेट वगैरह बनाएं। तो इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि यार ये किसी चीज़ का एंड हो गया, इसमें कोई एक बाउंड्री, इसमें बाउंड्री नहीं है, आप इसमें जितना चाहें आप हर चीज़ को आर्ट में काम में ला सकते हैं। बेसिकली अगर आप चाहो तो आप एक कीचड़ से भी एक आर्ट वर्क बना सकते हो। आपको किसी ज़रूरत नहीं कि आपके लिए पेंटिंग बनाने के लिए ब्रश का होना ज़रूरी है या किसी पेंसिल का, आप कोयले को पकड़ के भी एक काम बना सकते हो। अगर आपके दिल में और आपके आर्ट में इतनी गहराई है आपके, तो आप हर चीज़ जो चीज़ आपके हाथ में आती है आप उस चीज़ से आर्ट का काम कर सकते हैं। इसमें कोई बाउंड्री नहीं है, कोई इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ का होना ज़रूरी है और इस चीज़ के बगैर काम नहीं हो। एक आर्टिस्ट की जो सोच होती है और उसके जो नज़रियात होते हैं वो एक आम इंसान से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जैसे कि अगर आप अपने ज़िंदगी में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में किसी चीज़ को देखते हैं, जैसे किसी दरख्त को देख रहे हो या कोई भी आप चीज़ देख रहे हो, तो आपको एक नॉर्मल वो एक दरख्त नज़र आ रहा है आपको कि ये क्या, ये ट्री है। लेकिन अगर एक आर्टिस्ट उसको देखेगा तो वो उसमें उसकी डिटेल्स देखेगा, उसकी कलर कॉम्बिनेशन देखेगा कि उसकी कलर स्कीम क्या है, कौन सी जगह में वो कौन सा कलर यूज़ करके बना सकता है चीज़। जैसे कि मैं कभी सफ़र कर रहा हूँ बस में और रास्ते में मुझे जो दरख्त नज़र आते हैं, या मैं आसमान में देखो और मुझे क्लाउड्स नज़र आते हैं, तो उस क्लाउड्स की मैं डिटेल देखता हूँ कि उस क्लाउड में इस टाइम कौन कौन से कलर इस टाइम शामिल हैं। तो जो आर्टिस्ट होता है, इस वजह से कहते हैं कि आर्टिस्ट जो होते हैं वो बहुत गहरी सोच के मालिक होते हैं, उनकी सोच बहुत गहरी होती है, वो हर चीज़ में बहुत गहराई तक जाते हैं। तो ये आपके शौक पर होता है, जहाँ आपके शौक है तो आप हर चीज़ में आर्ट देखोगे, हर दुनिया की इसमें आपको अल्लाह ताला की हर खूबसूरती नज़र आएगी, आप अल्लाह ताला की कुदरत को देखोगे और आपको दिल से सुकून मिलेगा आर्ट को बनाते हुए भी, और वैसे ही आप ज़िंदगी में कुछ भी देखोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। लोग कहते हैं अगर एक आर्टिस्ट है तो उसमें हर तरह की खूबी होनी चाहिए, लेकिन मेरे मुताबिक ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं वो बात करूँगा जो मैं खुद अपने अंदर देखना चाह रहा हूँ। मैं अगर बहुत से लोग देखते हैं, बहुत से आर्टिस्ट होते हैं जो शायरी करते हैं, पोइट्री करते हैं, लेकिन सच कहूँ तो मुझे शायरी पोइट्री का या इस टाइप की कोई चीज़ का शौक नहीं है। बहरहाल ये है कि आप आर्ट तो पूरी दुनिया आजकल देखा जाए हर चीज़ में आर्ट है। आप शायरी को देखें, ये भी एक आर्ट है, पेंटिंग भी एक आर्ट है, हर चीज़ आपके आपका हुनर भी एक आर्ट है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर एक आर्टिस्ट है तो उसमें सिंगर का होना भी ज़रूरी है, वो शायरी का होना भी ज़रूरी है, या वो पेंटर भी है, पेंटिंग करे, हर चीज़ नहीं होना ज़रूरी। आप एक मुख्तलिफ ख़ास चीज़ को लेकर अपने आर्टिस्ट और अपनी अपनी जो खूबी है उसको आप दिखा सकते हो। जैसे कि मैं थोड़ा सा इस टाइप का हूँ कि मुझे पेंटिंग का भी शौक है, मैं सिंगिंग भी करता हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ सिंगिंग अपनी आवाज़ की हद तक पसंद है कि मुझे मेरी आवाज़ पसंद है या मेरी लोग मेरी आवाज़ को पसंद करते हैं, तो इस वजह से मैं दूसरे जो सिंगर थे उनके गाने वगैरह गा के बस यहाँ तक शौक रखता हूँ। लेकिन बहुत से लोग होते हैं कि वो अपने
स्पेशल टाइम देके अपनी शायरी बनाते हैं, फिर उसको फिर वो गानों में लेकर आते हैं या दूसरी तरफ आर्ट ले जाते हैं, जैसे कि अपनी कोई किताब लिख रही पोइट्री की, वो मुख्तलिफ आर्टिस्ट पे मुख्तलिफ अपनी एक सोच होती है, ख्वाहिश होती है, शौक होता है। ज़ाविया इंटरनेशनल की तरफ से मैं देखने वालों को एक मशवरा यही दूंगा कि जिस चीज़ का आपको शौक है, ये मैंने शुरू में भी यही कहा था कि जिस चीज़ की तरफ आपका शौक है आप उसको लेकर आगे चलें। शुरू में आपको बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा कि बाद लोग, जैसे मुझे बहुत सामना करना पड़ा आर्ट को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान में खासतौर पर लोगों का ये मानना है कि आर्ट की कोई स्कोप नहीं है, तो इसके बावजूद मैंने बहुत सी मुश्किलों का सामना किया, इवन मुझे अपने घर वालों का भी सामना करना पड़ा। तो अगर आपको जिस चीज़ का शौक है आप उस चीज़ में जाएं और उसमें महारत हासिल करें, जब आप महारत हासिल कर लेंगे तो फिर जो जो आपके खिलाफ भी होंगे वो भी आपका काम देके आपकी एक आपको अप्रिशिएट करेंगे आपके काम को लेकर, और जब आप कमाल हासिल कर लेंगे तो फिर कोई भी ऐसी ताकत आपको रोक नहीं सकती आपको कामयाबी आपकी मंजिल तक जाने के। तो मैं सबको यही कहूँगा कि शौक की तरफ जाएं, शौक को लेकर आप चलें, तो इंशाल्लाह हमेशा ज़िंदगी में कामयाब।